सिर्फ एक ग्लास पानी से पता करे कि घर में भूत है या नहीं, जानिए कैसे। भक्तों, बहुत ही चमत्कारी वीडियो है। पूज्य गुरुजी ने बताई है गुप्त जानकारी जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारे आसपास या घर में भूतों का साया है कि नहीं, तो भक्तों समय निकालकर वीडियो अंत तक जरूर देख लेना है और सच्चे भाव से, भक्ति भाव से लिख दें जय बागेश्वर धाम महाराज की, जय श्री राम। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, सारे कष्ट दूर होंगे। वैसे तो हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते हैं। अक्सर हम कहानियों में भूत के बारे में सुनते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भूत के बारे में पता करना बेहद आसान है। अगर सकारात्मक शक्तियां होती हैं तो नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। यदि आपके घर में सब बुरा चल रहा है और आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, तो आपको इसके बारे में कैसे पता करना होगा, आज हम उसकी जानकारी आपको देते हैं। इसके लिए आपको रात में एक गिलास में पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच नमक डालना है। उसके बाद उसमें व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है और उसको घर की ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा एहसास होता हो। उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, और अगर ऐसा न हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। कहा जाता है ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी के साथ रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे बहुत लाभ होगा। कैसे जाने घर में भूत है या नहीं और उपाय? घर में यदि किसी भी प्रकार की उठापटक चल रही है तो 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। पहला यह कि कोई भूत प्रेत हो, या दूसरा यह कि अन्य किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक चीज हो। यदि दोनों में से कोई भी एक घर में प्रवेश कर जाती है तो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सवाल यह है कि कैसे जाने कि घर में भूत या अन्य कोई नकारात्मक ऊर्जा का निवास है? तो मित्रों, हम इसके कुछ लक्षण बताते हैं। पहला यह कि नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत होते हैं तो घर का वातावरण बदल जाता है। शीतल और शांत वातावरण गर्म और भयानक लगने लगता है। दूसरा यह कि घर का हर सदस्य एक दूसरे से झगड़ने लगता है, या वह बात बात पर क्रोध करता है। कोई किसी से प्रेमपूर्ण वार्तालाप नहीं करता है। तीसरा यह कि अकारण ही कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहने लगता है, दवाखाना पीछा नहीं छोड़ता है। चौथा यह कि आपके या घर के किसी सदस्य के मन में आत्महत्या या हत्या करने जैसे विचार आने लगते हैं। छवां यह कि घर में रात को सोते समय हमेशा डर लगा रहता है और नींद भी ठीक से नहीं आती है। छठा यह कि घर में घुसते ही अच्छा नहीं लगता है, किसी भी सदस्य का घर में रहने का मन नहीं करता है। सातवां यह कि किसी न किसी उपकरण में खराबी आती रहती है। आठवां यह कि घर के बच्चों का पढ़ाई से मन उचट जाता है तथा वे भी चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। कहने का मतलब यह कि सुख, शांति और समृद्धि चली जाती है। एक गिलास पानी से करें ये तंत्र प्रयोग, आपके घर से हट जाएगा भूत प्रेत तथा बुरी शक्तियों का साया। जाने ये भी गुप्त उपाय। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी भूत प्रेत अथवा अन्य किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आप इस उपाय की सहायता से आसानी से पता लगा सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, केवल एक पूरी तरह पारदर्शी कांच का गिलास ले लीजिए। इस गिलास के 1/3 हिस्से को सेंधा नमक से भर दीजिए। इसके बाद बचे हुए गिलास में आधा पानी तथा आधा सिरका मिलाकर भर दीजिए। अब इस गिलास को घर के उस हिस्से में रख दीजिए जहां आपको सबसे ज्यादा अजीब महसूस या कुछ भूत प्रेत सा महसूस होता है। इस गिलास को पूरे 24 घंटे उसी स्थान पर रखा रहने दीजिए। ध्यान रखें कि इसे कोई न तो हाथ लगाएं और न ही हिलाएं डुलाएं। इसके बाद अगले दिन देखिए कि गिलास में क्या दिखाई देता है। अगर गिलास का पानी जैसा आपने छोड़ा था वैसा का वैसा ही है, उसमें किसी तरह का कालापन, बुलबुले या किसी तरह का मैलापन नहीं है, तो इसका अर्थ है
कि आपके घर के उस हिस्से में भूत प्रेत या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं है, अब इसी प्रयोग को घर के किसी दूसरे हिस्से में भी करके देखें। यदि 24 घंटे बाद गिलास के पानी में बुलबुले या मैलापन हो जाए या उसमें धब्बे से दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर पर बुरी शक्तियों ने कब्जा जमा लिया है। आपको इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप केवल इतना सा करें कि गिलास में जो पानी भरा हुआ है उसे टॉयलेट में बहा दें तथा फ्लश चला दें। इसके बाद गिलास को अच्छी तरह सर्फ से धोकर रख लें। तत्पश्चात फिर से इस प्रयोग को करें और फिर 24 घंटे बाद गंदे हुए पानी को टॉयलेट में बहाकर फ्लश कर दें। ऐसा तब तक करें जब तक कि गिलास का पानी बिल्कुल साफ न रहने लगे। जिस दिन ऐसा हो जाए, समझ जाएं कि आपके घर से सभी बुरी शक्तियां चली गई हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल वाई TPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आज हम आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कहीं आपके घर में भूत प्रेत का साया तो नहीं। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी के परफ्यूम न लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू आने लगती है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि आपके आसपास से कोई आत्मा गुजरी हो, क्योंकि आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास होता है। अगर आपके घर के दरवाजे अक्सर अचानक ही जोर से झटके के साथ बंद हो जाता है और ऐसा लगातार हो रहा है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है आपके घर में भूत का साया हो। 3, यदि आपके घर में या आसपास अजीब सी आवाजें या किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट सुनाई देती हो, तो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि ये भी किसी आत्मा का संकट हो सकता है। 4, अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है और वह अचानक डरने लगे या किसी एक जगह को देखकर बार बार भौंकने लगे, तो इसे अनदेखा न करें, क्योंकि पालतू जानवरों को ऐसी आत्माएं दिखाई देती हैं। 5, अगर अचानक आपके घर के आसपास किसी के रोने की या फिर सिसकियां लेने की आवाज आए, तो पहले देख लें कि कोई जरूरतमंद तो नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई दिखाई न दे, तो समझें वो आत्मा हो सकती है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।